अधिकारी को हटाने के लिए मिले राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक संगठन ने कहा जब तक जनपद अधिकारी को नहीं हटाएंगे तब तक काम नहीं करेंगे। जी हम आपको बता दें कि काला पीपल जनपद की ग्राम पंचायतों में जमकर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हो रहा था जिसकी खबरें आए दिन प्रकाशित हो रही थी एवं कई व्यक्तियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें की गई थी जिस पर जिला पंचायत अधिकारी एवं जनपद अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए दो रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई एवं तीन ग्राम पंचायतों पर लाखों रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए गए। वहीं आदेश में लिखा है कि अगर 7 दिन के अंदर राशि जमा नहीं की जाती है तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि वित्तीय अनियमितताओं में बामुलिया मुछाली पंचायत के सचिव रघुनंदन शर्मा और सरपंच पर 10,11,000 की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं और अरंडिया ग्राम पंचायत के सरपंच कमोद सिंह एवं सचिव ज्ञान सिंह परमार पर 9,72,224 रुपए रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं और रोसला पंचायत में मनीष राजपूत सचिव पर पेयजल कूप में मशीन के उपयोग कर वित्तीय अनियमितता की गई जिसकी उपयंत्री एवं तहसीलदार द्वारा जांच की गई थी उस पर भी रिकवरी के आदेश जारी हुए हैं। वहीं निपानिया खुर्द के रोजगार सचिव द्वारा स्वयं की पत्नी की मास्टर जारी कर मनरेगा की राशि को निकाली गई। रोजगार सचिव मनोज पिपलोदा की सेवा समाप्त की गई है। वहीं हरलाय खुर्द सचिव द्वारा ग्रेवल रोड एवं खेत तालाब में वित्तीय अनियमितता करते हुए मनरेगा की राशि का दुरुपयोग किया गया जिस पर कार्यवाही के लिए जिला पंचायत अधिकारी को जनपद अधिकारी द्वारा पत्र भेजा गया है। वहीं लीलाखेड़ी ग्राम पंचायत के रोजगार सचिव पर जो पैन कार्ड धारक बीमा एजेंट के नाम से मनरेगा में मास्टर भरकर राशि निकाली गई उस पर रोजगार सचिव की सेवा समाप्त कर दी गई है। इन कार्यवाहियों से बौखला कर सचिव सरपंच एवं रोजगार सहायकों ने जनपद अधिकारी के खिलाफ बिगुल बजाया है और जनपद अधिकारी की शिकायत शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से की गई है कि जल्द से जल्द जनपद सीईओ को काला पीपल से हटाया जाए। वित्तीय अनियमितता एवं मनरेगा की राशि का दुरुपयोग किया गया उन्हें रोजगार सचिव एवं सरपंच और सचिव पर कार्यवाही की गई। जब आप लोग ईमानदार हैं तो जनपद अधिकारी से क्यों डर रहे हैं? क्यों जनपद अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं? क्या जनपद अधिकारी ने निर्दोष पंचायत सचिव सरपंच पर कार्यवाही की है? जनपद अधिकारी ने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हुए शिकायतों के आधार पर घपला करने वाले लोगों के खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर कार्यवाही की गई है तो फिर बाकी सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों को किस बात का डर है? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनरेगा की राशि का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं सचिव सरपंच और रोजगार सहायकों ने जनपद अधिकारियों के तबादले पर अड़े हैं। जनपद काला पीपल में अभी जिला पंचायत से एक सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था जिसमें भैंसाई नांगिन और हरलाई खुर्द में सामाजिक अंकेक्षण पाए गए थे कि जितने पौधे लगना चाहिए उतने पौधे नहीं लगे और उसकी राशि निकाली गई जिसके तहत जिला पंचायत स्तर से कमेटी बनाई गई थी जिसमें सहायक मंत्री और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा समिति में थे उनके द्वारा जो है जांच की गई थी और मौके पर जो सामान्य निरीक्षण होता है उसी स्थिति पाया गया था जिसके तहत जिला पंचायत से अभी सीओ मैम ने पंचायत की धारा 89 के तहत वसूली की कार्रवाई निर्धारित की है जो आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से हरलाई खुर्द में जो पहले कपिलधार कूप बनाए गए थे उसमें कपिलधारा सह खेत तालाब थे खेत सह खेत तालाब का कार्य नहीं कराया गया था उनकी राशि निकाली गई थी तो उनके विरुद्ध भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 89 के तहत कार्रवाई की है उसके संबंध में और साथ ही कई ग्राम पंचायतों में 181 शिकायतें हुई थी जिनमें फरर लालाखेड़ी ग्राम पंचायत है जिसमें ग्राम रोजगार सहायक द्वारा ग्राम के एक जो इनकम टैक्स पेई है जो इनकम टैक्स का भुगतान करता है उसको 2013 से 19 तक मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान किया गया था उसकी जो शिकायत की गई थी उसमें शिकायत में जांच पाया गया था और साथ में शिकायतकर्ता ने जिसकी शिकायत की थी उससे भी कथन लिए गए थे इनकम टैक्स जो उसने द्वारा प्रदाय किया था उसके साक्ष्य लिए गए थे विगत 3 साल के। उसके तहत मुकारिब जिला पंचायत साजापुर को प्रस्ताव भेजा गया था उस प्रस्ताव के तहत उन्होंने अनुमति दी थी कि आप कार्रवाई करें जिसके तहत ग्राम रोजगार सहायक अचल सिंह मेवाड़ा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। साथ में एक मामला निपनिया खुर्द का था जिसमें ग्राम रोजगार सहायक ने पूर्व में एक पुलिस जो सीहोर पदस्थ है कांस्टेबल है उसको जो है मजदूरी के रूप में मनरेगा भुगतान किया था
जिसमें पूर्व में 7 दिन का वेतन, चूंकि प्रथम गलती थी और उनके द्वारा ये बताया गया कि इसका घर का नाम जापान दूसरा था और जो जिस नाम से नौकरी कर तो दूसरा, तो प्रथम दृष्टि गलती मानते उसको 7 दिन का वेतन काटकर उसको जो है वो कर दिया गया था। लेकिन अगला उसने ये गलती कर दी कि उनकी मिसेज ग्राम रोजगार सहायक की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी है, उनके नाम से मनरेगा में मास्टर भरकर उनके द्वारा राशि हरण की गई थी, जो शिकायत सही पाई गई थी, जिसके सामने जिला पंचायत को भेजा गया था। जिला पंचायत ने उनके विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार अभी मेरे भ्रमण के दौरान हरलाई खुर्द में मैं गया था, वहाँ पर एक ग्रेवल रोड का कार्य था, बगल में एक निजी खेत तालाब भी स्वीकृत हुआ था, जिसमें निजी खेत तालाब से रोड में मिट्टी डाली गई थी और उसमें जो ग्रेवल था वो निकला था वो डाला गया था, लेकिन भुगतान दोनों जगह से लिया गया था। तभी हमने सीओ जिला पंचायत मैम को 1,73,000 की वसूली का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। मैं क्रम से बताना चाहूँगा कि बमरिया मछाली में अरविंद जो सरपंच हैं और सचिव हैं, इनकी भी शिकायत हुई थी, इसमें सीओ मैम ने लगभग 11,00,000 रुपये की वसूली निकाली है, जो शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई थी कि उनके द्वारा बिना कार्य राशि हरण की गई थी। अरंडिया में लगभग 9,00,000 की वसूली निकाली गई है। इसी प्रकार से जो भैसा नागी ने उनमें 93,000 की है, हरलाईकोट में लगभग 63,000 की है ऐसे, और साथ में अन्य जो पुराने मामले थे उनको भी उनने संज्ञान में लिया है और 7 दिन में सभी पंचायत के सचिव सरपंच को उस जो राशि गबन की गई है उनको धारा 92 के तहत कार्रवाई करते हुए वसूली जो राशि है उसको 7 दिन जमा करने के आदेश प्राप्त हुए, जिसको हमने तामील कराया भी। आगे चलकर जो मुख्य पर जिला पंचायत का न्यायालय है उसके तहत पुलिस के माध्यम से तामीली कराई जाएगी, और इसके बाद भी नहीं करते तो जो पंचायत एक्ट के अधिनियम में कार्रवाई उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद।